फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? सो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, है ना। जैसा कि बात से समझ में आ रहा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस यानी कि पास्ट में ऐसा कोई काम जो एक्शन में था। जैसे आइडेंटिफिकेशन क्या है इसकी, रहा था, रही थे, रहे थे, है ना। तो सेंटेंस ऑर्डर अफर्मेटिव को देख लीजिए, सब इसको स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, है ना। सब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। इसका रूल एक चीज ध्यान में रखिएगा कि वॉज का यूज हम फर्स्ट पर्सन आई और जो भी थर्ड सिंगुलर पर्सन होते हैं उनके साथ हम वॉज का यूज करते हैं, जैसे ही शी इट, क्लियर। फिर वर इज यूज्ड विथ यू एंड ऑल प्लूरल पर्सन, जैसे वी दे एटसेट्रा, है ना। यू, वी, दे और भी जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसके साथ हम वर का यूज करेंगे। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना। ही वॉज गोइंग टू द स्कूल, वह स्कूल जा रहा था, यानी पास्ट की बात हो रही है कि पास्ट में वो काम हो रहा था, तब हम क्या यूज करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना। आई वॉज वॉशिंग क्लॉथ्स, मैं कपड़े धो रहा था। दे वर सिंगिंग सॉन्ग, वे गाना गा रहे थे। यू वर क्लीनिंग द रूम, तुम कमरा साफ कर रहे थे, क्लियर। इसमें देख लीजिए ये सारे काम कब हो रहे थे, पास्ट में हो रहे थे, यानी कि पास्ट टेंस में वो काम जारी था। ऐसा नहीं था कि वो काम कंप्लीट हो गया, वो कंटिन्यू था, तो हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे, है ना। अब बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की, है ना। तो इसका सेंटेंस ऑर्डर क्या रहेगा, देखिए, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, है ना। तो एग्जाम्पल्स देख लीजिए, मैं घूमने नहीं जा रहा था, तो आई वॉज नॉट गोइंग फॉर आउटिंग, या फॉर आउटिंग की जगह टू वॉक, है ना। आई एम नॉट गोइंग टू वॉक या आई एम नॉट गोइंग फॉर आउटिंग, दोनों सेम मीनिंग है ना, बस यूजेस डिफरेंट है। वह नहीं नाच रहा था, तो ही वॉज नॉट डांसिंग। हम खेलने नहीं जा रहे थे, वी आर नॉट गोइंग टू प्ले। तुम सोने नहीं जा रहे थे, यू आर नॉट गोइंग टू स्लीप, है ना। और जो रूल्स मैंने बताए थे वो वही रहेंगे इसमें भी, तो कोई डाउट मत रखिएगा आप लोग, है ना। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। तो ऐसे सेंटेंसेस जो क्या से शुरू होते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, वॉज वर्ब, है ना। तो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर किससे स्टार्ट होगा, वॉज ऑब्लिक वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड फिर क्वेश्चन मार्क, है ना। एग्जाम्पल्स देखिए, क्या हम हंस रहे थे, तो वर वी लॉफिंग। क्या वे बगीचे में गाना गा रहे थे, तो वर दे सिंगिंग अ सॉन्ग इन द गार्डन। क्या तुम खाना बना रहे थे, वर यू कुकिंग फूड। क्या वह खेल रहा था, वॉज ही प्लेइंग, है ना। तो इस तरह के जब सेंटेंसेस होंगे तो हमारा ये स्ट्रक्चर लगेगा, क्लियर। ऐसे सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है ना, ऐसे क्वेश्चंस, तो हम उसको कैसे स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन वर्ड से जो डब्ल्यू एच टाइप होते हैं, जैसे वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, है ना, व्हाट। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिएगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस वॉज ऑब्लिक वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड फिर क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल देखिए, तुम कहाँ जा रहे थे, वेयर वर यू गोइंग। वह कब से सो रही थी, सिंस व्हेन वॉज शी स्लीपिंग, है ना। जब कब से होता है तो हम सिंस व्हेन का यूज करते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। मैं क्या खरीदने जा रहा था, व्हाट वॉज आई गोइंग टू बाय। वे खाना क्यों बना रहे थे, व्हाई वर दे कुकिंग फूड, क्लियर। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी देख लीजिए, इसमें क्या रहेगा, सब इसमें देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा, वॉज ऑब्लिक वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड फिर क्वेश्चन मार्क, है ना। तो क्या वह कपड़े नहीं धो रही थी, वॉश शी नॉट वॉशिंग द क्लॉथ्स। क्या हम हॉकी नहीं खेल रहे थे, वर वी नॉट प्लेइंग हॉकी। क्या मैं पत्र नहीं लिख रहा था, वॉज आई नॉट राइटिंग द लेटर। क्या वे कमरा नहीं साफ कर रहे थे, वर दे नॉट क्लीनिंग द रूम, है ना। तो इस तरह से हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो हमने इसके सभी टाइप्स देख लिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, बहुत ही इजी ये वाला टेंस है। इसके बाद हम लोग परफेक्ट टेंस देखेंगे, उसमें थोड़ा सा कुछ चीजें आप लोगों को डिफिकल्ट लग सकती है, लेकिन जब हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ ईजी हो जाएगा, है ना। सो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।